ये संदीप का घर है और संदीप निकला था कमाने के लिए। कल दिन के 11 बजे वो बस पे सवार होता है और पंजाब के लिए निकल जाता है कमाने के लिए। लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला संदीप जो है वहाँ पे जो है धान रोपने का काम करता था। गरीब परिवार है और इसी पे यहीं पे पहुँचे हैं हम। तस्वीर उनके घर का दिखाते हैं। चारों तरफ जो है टट्टी का घर है, फूस का घर है, खपड़ा का घर है और इस वक्त जो घर के लोग हैं वो रो रहे हैं, परेशान हैं, सदमे में हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपने माँ के गोद में वो चिल्ला रहा है। किसी के जो बर्तन में दाना नहीं है खाने के लिए तो कोई मुढ़ी खा रहा है। हर तरफ रोना और रो रहे हैं। पाँव में चप्पल नहीं है, गमगीन है, चेहरे पे मायूसी है। मामला ये है कि ये जो संदीप जो है कल ही निकला था कमाने के लिए, लेकिन सड़क हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत के बाद बहन, भाई, पड़ोसी, पिता, माता सब रो रहे हैं, गमगीन हैं, चेहरे पे जो है काफ़ी जो है परेशान हैं। अब जो इनके जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम सागर। कैसे घटना हुई? घटना सर सिंहासर में बस पकड़ के कल के जैसे पंजाब जा रहे, वैसा कर्जा बर्जा ले लगे और गए अपन वो कल के कम आगे भेजबो बाबा अब आगे लधा रास्ता में घटना भाई की कर रहे आप? आपका कौन था? हमको बेटा दो ठो था, एक ठो जमा था उसमें और एक ठो सुमन दो ठो सुमन बेटा था। पांच आदमी गया था हमको साथ ही, पांच में से एगो सुमन तो हो गया था और चारों घायल है। सब आ रहा है या नहीं रहा? अभी आ कहाँ आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। तो वहाँ कौन काम करता था? ये लोग धान रोपने के लिए गया था। अच्छा, धान रोपने के लिए गया था। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार अभी कोई रोजगार नहीं है, अभी के टाइम में कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है जिस कारण से ये बाहर गए हुए थे कमाने के लिए। लेकिन वो कमाते क्या, पहले ही घर को जो है ये खबर मिली कि संदीप दुनिया को अलविदा कह गया, दुनिया को छोड़ चला गया। जो ही इसकी खबर परिवार वालों को मिलती है हर तरफ जो है रोना करना शुरू हो जाता है। पूरे बस्ती के लोग रोते हैं क्योंकि इससे पहले की आपको जो तस्वीर हमने दिखाया इसी जो है पंचायत के चार लोगों की मौत होती है। तस्वीर हम आपको मधेपुरा के हसनपुर बड़ाही की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे इस वक्त जो है लोग जमे हुए हैं। जिनके घर हादसा हुआ है उनके घर उनके परिवार के लोगों को देखने के लिए पहुँचे हैं। उनतीस आदमी घायल है। चार आदमी का मौत हो गया है और कहीं कहीं बिछड़ गया है। किसी के पास किराया नहीं, किसी खाने का पैसा नहीं है, सभी भूखे उधर घूम रहा है, किसी के पास खाने के लिए भी नहीं। उधर सभी को माँ बाप सभी रो रहा, पूरा बस्ती रो रहा है। 65 आदमी में अभी 29 आदमी घायल है और आदमी कहीं कहीं बिछड़ गया, डर से भाग गया है, अलग समा गया उन लोग को। अभी तक कोई प्रशासन भी देखने के लिए नहीं है। प्रशासन को भी फोन हुआ, डीएम साहब को फोन हुआ है, अभी तक कोई देखने के लिए। क्या बोल रहे हैं? अभी तक खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रात से 2 बजे रात से अभी सारा बच्चे बुचे सारा भूखा है। मान लो कोई अभी नहीं आया है, कोई नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? भूख देखो अभी किसी को चूल्हा जल रहा है, देखो किसी को नहीं चूल्हा जल रहा है, सब सोख पड़ा है, सबको चूल्हा भी नहीं जला है। कितने लोगों को फोन गया है, कोई पहुंचे भी नहीं है। ये संदीप के जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि हमने कई लोगों को फोन किया, कोई अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। ये संदीप के घर का जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संदीप तो अब रहा नहीं लेकिन परिवार के लोग उन्हें याद करके रो रहे हैं। सबों के आंखों में आंसू है, कोई परेशान है, कोई याद करके रो रहा है, तो कोई ये कह रहा है वो कमाने के लिए निकला था लेकिन कमा के क्या पैसा घर भेजता, परिवार को भेजता, लेकिन उससे पहले उसकी मौत की खबर घर वालों को मिलती है। ये तस्वीर हम आपको मधेपुरा के हसनपुर बड़ाही की तस्वीर दिखा रहे हैं। पता चला
दो बजे रात में तो सुबह हम लोग मुखिया प्रधान के पास गए है, ग्राम पंचायत का प्रधान के पास गए, ग्राम पंचायत का प्रधान चार आदमी मिल गया है उन लोग के पास, अभी तक नहीं पहुंचा है, 10-15 मिनट में वो लोग भी पहुंच जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू सादा।